नोएडा में तीसरी बार पर्यटन परंपरा कला एवं संस्कृति का मनोरम माहौल टीम के साथ 17 फरवरी से लेकर 5 मार्च 2023 तक प्रसिद्ध सरस आजीविका मेला 2023 का आयोजन सेक्टर 33 के नोएडा हार्ट में किया जा रहा है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान NIRDPR द्वारा आयोजित इस सरस आजीविका मेला 2023 में ग्रामीण भारत की सिर्फ कलाओं का मुख्य रूप से प्रदर्शन किया जाएगा। 17 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक चलने वाले इस उत्सव में नोएडा के नोएडा हार्ट में मौजूद करीब 23 राज्यों के 300 से अधिक महिला शिल्प का कलाकार जो परंपरा हस्तकला एवं ग्रामीण संस्कृति तथा स्वयं सहायता समूह से जुड़ी है। इसके साथ ही 85 से ज्यादा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। सरस मेला 1999 से निरंतर आयोजित हो रहे हैं। इस मेले के माध्यम से लाखों महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। मेले में बच्चों के लिए खेल कूद व मनोरंजन के लिए भी साधन मौजूद रहेंगे। सरस मेला जो है यहाँ से 17 तारीख से स्टार्ट होकर 17 फरवरी से स्टार्ट होकर 5 मार्च तक चलेगा और इसमें पूरे भारत के 27 राज्यों से जो हमारे स्व सहायता समूह की दीदियाँ हैं वो आके यहाँ पर स्टॉल लगाएंगी, जिसमें हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट और डेकोरेटिव आइटम और खाने की वस्तुएं सभी प्रकार का आपको भारत का यहाँ पर दर्शन करने को मिलेगा। और मेरी उम्मीद है कि ये जो इस बार मेला है ये पिछले वर्षों की अपेक्षा और ज़्यादा बेहतर ढंग से और ज़्यादा ये कहते कि हमारी महिलाओं को लाभ पहुँचाएगा। विशेष क्या कुछ रखा गया इस मेले में जिससे लोगों को आकर्षक करने के लिए? तो सबसे बड़ा आकर्षण तो दिल्ली वासियों को खाने का ही रहता है, तो इसलिए हमने खाने के लिए पूरे जो अपने लोकल क्यूजीन है विभिन्न राज्यों की, जो सुदूर क्षेत्रों चाहे मिजोरम हो, केरल हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, लेह हो, वहाँ से हमारी बहनें आके यहाँ आपको दिल्ली के वासियों को वहाँ के खाने का लुत्फ दिलाएंगे। इस बार क्या कुछ उम्मीद की जा रही है? सरस मेले मैंने कहा कि हमने जो गत 2 वर्ष में हमारा बहुत बढ़िया आयोजन रहा है और अब हम इसको और वृहद स्तर पर और बेहतर ढंग से और ज़्यादा सामान के साथ हमारी बहनों को यहाँ पर मेले में लेकर आए। जो ओवररेटेड की पिछली बार समस्या थी, इस बार उस पर कुछ निजात मिलेगी? किससे? जो प्राइस के ओवररेटेड की समस्या आ रही थी, बीच में कंप्लेंट थी, उसके बारे में कुछ बोलेंगे? नहीं, ओवररेटेड तो कहना गलत होगा। अब क्या है कि ये हमारी बहनें यहाँ आके सीखती हैं, क्योंकि अब जो गांव से महिला आ रही है, अब आप चाहो कि बिल्कुल वो दिल्ली वालों की तरह परफेक्ट है, वो तो नहीं होगा। जैसे जैसे वो एक हमारे ये मेले का मकसद ही है कि उनको यहाँ आके कहते कि बताना क्या उसको रेट रखना चाहिए, क्या पैकिंग करनी चाहिए, कैसे कस्टमर के साथ बिहेवियर करना चाहिए, क्या डिस्काउंट देना चाहिए। तो ये भी एक लर्निंग प्रोसेस है, कोई परफेक्ट नहीं है, ये मैं बिल्कुल मानता हूँ। इस मेले में करीब कितने स्टॉल लगाए जाएंगे? 180 स्टॉल लगाएंगे, जिसमें कहते कि 300 महिलाएं हमारी आ रही हैं।